बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। बच्चों और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने लगभग बच्चों इस भाग से पहले तक 22 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 23वां और इनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 23वां प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 0.46 × 0.92 × 0.1 पूरे का बटे 0.023 × 4.6। बच्चों इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय दशमलव को हटा करके हम उसके बदले में शून्य लिख लेते हैं। दशमलव का एक और जितने अंक उसके बाद उतने जीरो हम बढ़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 1 गुणा। अब नीचे में देखेंगे बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पर 3 अंक, ऊपर में हो जाएगा 1000 क्योंकि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिखते हैं। गुणित दशमलव बाद यहाँ कितने अंक है बच्चों, यहाँ पर है 2 अंक, 1 अंक सॉरी, तो 10 हो जाएगा पूरे का बटे। अब नीचे का भी दशमलव हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 46। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर दशमलव 4, 6, 7, 2 अंक है तो 100 हो जाएगा। दशमलव 9, 2 अर्थात 2 अंक है तो यहाँ भी 100 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ हो जाएगा 10। अब ऊपर नीचे काट दीजिए बच्चों, जो जो कटता है, ये देखिए 10 कट गया, 1, 2, 3 शून्य, 1, 2 और ये 3 शून्य कट गया, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 कट गया बच्चों। अब यहाँ पर 46 एकम 46, 46 दूनी 92, ये भी कट गया। अब देखिए ऊपर में क्या क्या बच गया, 2 बचा है, 1 और 2 बचा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा हुआ है जी, 1 बचा हुआ है। नीचे में क्या बचा हुआ है बच्चों, नीचे में 10 बचा हुआ है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 बटे 10। अब 4 को 10 से भाग करेंगे बच्चों तो 0.4 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हल करते हैं बच्चों दशमलव वाली संख्याओं को। बहुत सरल है, पहले दशमलव हटाइए और दशमलव के स्थान पर 1 लेकर के दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य बढ़ा दीजिए और इसके बाद ऊपर नीचे काट दीजिए बच्चों, भाग दे दीजिए और हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 0.005 × 0.84 × 2.25 पूरे का बटे 0.021 × 0.05 × 1.10 को सरल करें। अब इसको हमको सरल करना है, कैसे सरल करेंगे ये हमको देखना है बच्चों। जैसे इसे पहले के सवाल को हमने किया था, सबसे पहले तो हम प्रश्न एक बार और लिख लेते हैं। 0.005 × 0.84 × 2.25 पूरे का बटे हो जाएगा 0.021 × 0.05 × 1.10। अब हम करेंगे बच्चों दशमलव हटा कर लिखेंगे, तो चलिए हम दशमलव हटा देते हैं। दशमलव हटाने के बाद लिखते हैं, ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे में ऊपर ही में हो जाएगा 84 और 225 गुणा, इससे पहले फिर दशमलव हटा लेते हैं नीचे वाले का, 21 × 5 × 1, 1 और 0 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए बच्चों दशमलव बाद 3 अंक था, ऊपर का नीचे लगाएंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर में दशमलव बाद पहले 3 अंक है तो 1000 हो जाएगा गुणा, 2 अंक है तो 100 गुणा, 2 अंक है तो पुनः 100। अब नीचे का ऊपर लगाएंगे बच्चों 0, 3 अंक है तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणा, यहाँ पर 2 अंक है तो हो जाएगा 100, अब यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ भी हो जाएगा 100। चलिए बच्चों अब काट देते हैं, 1000 1000 कट गया, 100 100 कट गया, पूरा पूरा कट गया बच्चों। कुछ बचा क्या? बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, केवल संख्याएं बची हैं। अब संख्याओं को विभाजित कर देते हैं, 5 का 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 21 चौक 84 होता है बच्चों। अब ऊपर में बच गया 4 × 225, नीचे में बच गया 110। पुनः काटते हैं 5 से, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ग्यारह 22। अब ऊपर में क्या क्या बच गया बच्चों, ऊपर में बचा हुआ है 2 × 45, ऊपर में 2 और 45 बचा हुआ है, नीचे में बचा हुआ है 11। 45 दूनी कितना होता है बच्चों, 45 दूनी होता है 90 बटे 11। अब 90 को 11 से भाग कर देते हैं, भाग करने से हमको प्राप्त होगा 8.18, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मयंक 20 रुपये और पंकज 30 रुपये लेकर मेला देखने गए। तो इसको क्रमशः प्रश्न पढ़ते पढ़ते हम लिखते जाते हैं जो जो दिया हुआ है। मेला देखने गए, मेला देखने गए कौन कौन, मयंक और पंकज। मयंक 20 रुपये लेकर गया बच्चों, 20 रुपये लेकर, और वहीं पर
लेकर गया है 30 रुपये। कितने रुपए? 30 रुपए लेकर के जाता है। आगे पढ़ते हैं, वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि, दोनों की कुल राशि, अभी दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपए लेकर गया? दोनों ने कुल मिलाकर लेकर गया है 30 और 20 50 रुपए। कितने रुपए? 50 रुपए। कुल राशि 2/5 भाग मेले में खर्च की, कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए, 2/5 भाग मेले में खर्च किए, मेले में खर्च, अर्थात अर्थात 50 रुपये का 2/5 भाग खर्च कर दिए। 50 × 2/5, 5 × 50, 10 × 20 रुपये। कितने रुपए खर्च कर दिए? 20 रुपये खर्च कर दिए लोगों ने, किसमें? मेले में। उसके बाद लौटते समय, 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए। बच्चों प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए, तो 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए, प्रदर्शनी में खर्च बराबर 10 रुपये। अब उनके पास कुल कितना बचा या कुल कितना खर्च हुआ पहले निकाल लेते हैं। कुल खर्च, कुल खर्च मेले में खर्च किए 20 रुपये, 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए, इस तरह से उन्होंने 30 रुपये कुल मिलाकर खर्च कर दिया, एक आंसर हमको प्राप्त हुआ। अब शेष उनके पास कितने बचे ये भी आप मालूम कर सकते हैं। बच्चों हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा है लेकिन आप ज्ञात कर सकते हैं शेष बचे। अब 50 रुपये दोनों मिलकर ले गए थे, 30 रुपये दोनों ने खर्च कर दिए, तो उनके पास 20 रुपये अभी भी शेष बचा हुआ है, और ये हमारे इस प्रश्न का दूसरा आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। हल कीजिए 3/4 धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर, मंझला कोष्टक के अंदर 1/2 ऋण छोटे कोष्टक में, 2/3 ऋण 1/3 छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद। तो इस तरह के सवाल को हल करते समय हमको बच्चों छोटा कोष्टक को पहले हल करना है, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो चलिए छोटा कोष्टक को हल करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक को जब हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 3 और 3 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर में जाएगा 2 ऋण 1, 2 ऋण 1/3, ये इस तरह से हो जाएगा। 3/4 धन 1/2 ऋण, 2 में 1 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा और नीचे में हो जाएगा 1/3, और इस तरह से छोटा कोष्टक क्या हो गया हमारा, हल हो गया। छोटा कोष्टक हमने हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 3/4 धन, अब मंझला कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसका हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का 2 तिया होता है 6, 3 × 1 से 3 × 1 2 × 1 से 2 × 1 2। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 में 2 घटा दीजिए, बचेगा 1/6। अब यहाँ पूरा कोष्टक हल हो चुका है। अब इसके बाद 6 और 4 का लघुत्तम निकाल देंगे। 6 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे बच्चों, जो 6 × 12 होता है। बच्चों यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको एलसीएम निकाल कर बताया जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, 4 × 3 = 12, उस 3 का गुणा दिन से कर देंगे, 3 × 3 = 9, 6 × 12 2 × 1 = 2, अर्थात ऊपर में हो जाएगा 9 × 2 = 11 और नीचे में हो जाएगा 12, तो 11/12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऋण 3/8 को ऐसे तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए जिनका अंश 12 हो और हर ऋण 24 हो। तो चलिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या को लिख लेते हैं, वो परिमेय संख्या 3/8, हर अंश, पहला अंश होना चाहिए 12, अंश 12 हो, अर्थात 12 को अगर हम ऋण 3 से भाग करेंगे बच्चों, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 4। कितना प्राप्त हो जाएगा? ऋण 4, और ये इस ऋण 4 का 3/8 के आंसर हमें गुणा करना पड़ेगा। अतः ऋण 3/8 गुणित ऋण 4/4, 4 × 3 = 12 और ऋण ऋण हो जाएगा धन 12/8 = 32, वो भी ऋण में, अर्थात हमको प्राप्त हो जाएगा 12/32। अब हमारा प्रश्न क्या था कि अंश 12 होना चाहिए, अब यहाँ पर अंश 12 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा दिया है हर ऋण 24 होना चाहिए, हर में क्या होना चाहिए? ऋण 24, हर ऋण 24 हो, और हर में 8 दिया हुआ है, अर्थात ऋण 24 को 8 से हम भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 3। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? ऋण 3। अतः ऋण 3/8 के आंसर हर में ऋण 3/3 का हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 वो हो जाएगा धन 9/8 = 24, ऋण 24, इस तरह से ऋण 24 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न में क्या बोल रहा था कि हर ऋण 24 होना चाहिए, और हमको ऋण 24 यहाँ पर प्राप्त हो गया है।
तो इस तरह से हमारा यह हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आंसर मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।